गुड इवनिंग प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया वाली चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का सेशन शुरू होता है। तो सबको पता है रिवीजन चल रहा है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख 26 जून डिसाइड की गई है, लेकिन इसमें चेंजिंग की संभावना है। पता है ना, शायद हो भी गई होगी जो भी, लेकिन बात यह है कि आपको नहीं सोचना है कि चेंज है, आपको ये डिसाइड करना है कि 26 तक हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ये नहीं कि भैया अभी तो तारीख बढ़ेगी, अभी थोड़ा और सो लेते हैं, 4 दिन है ना, अभी मौका मिला है तो फिर थोड़ा और सो लेते हैं। समझ रहे हो ना, शुरू करें फिर। अमरीश कुमार, शिरोमणि शर्मा, सोनम दुबे, शिवम भट्ट, श्वेता जायसवाल, महिमा यादव, गुंजन भारती, ज्योति चौहान, सिया, निधि, श्वेता, ऋतिक और बहुत से तमाम बच्चे जुड़े हैं। 2828 बच्चे जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी से बोलते हैं और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये 5वीं क्लास है क्या? जो भी होगी लाइव नंबर 5 या 4, 5 ही है ना 4 हो गई अब तक, क्यों कहो भैया, 5 है ना, चले ठीक है। तो 6 से शुरू हुआ था, 6, 7, 8, 9, 10 सही है, 5वीं है। दशमलव शुरू किया था कल, अध्याय 3। इसमें लाइट वाइट नहीं ना यार, दशमलव चैप्टर का नाम क्या था? डेसिमल, ठीक है, प्यार से देखना साथियों। दशमलव का जोड़ना कल आप लोग सीख गए थे ना, जैसे अगर मैं एक सवाल देता हूं, क्योंकि हमें डीएलएड को टारगेट करके चलना है, तो इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कल मैं शायद जो बताया था वो समान समान अंक पर दशमलव होने की दशा में बताया था, इसमें ऐसी समानता नहीं है, थोड़ा सबर रखना बता रहा हूं। आइए देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पहला नंबर लिखना है, जो भी है दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगेगा, इसमें कोई दशमलव नहीं है अगर, तो यहां पर दशमलव बढ़ा के ऐसे ऐसे इसको बना लेते हैं, ठीक है, जिससे इसके नीचे एडजस्ट हो सके। तो दशमलव के अगर हम लेफ्ट साइड बात करें तो 0 और 4 है, राइट साइड में सब 0-0 है, चाहे जितना लगा दो कोई मतलब नहीं। अगला में देखेंगे हम दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव, राइट साइड में 5 है तो 5, लेफ्ट साइड में 3-8-9 है, 3-8-9 ऐसे। अब इनको ऐड करेंगे, याद रखना ये सही तरीका है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 40 को ऐसे कर लिए, इनको 9, 8, 3, 5 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दशा में ये गड़बड़ा जाता है, फिर ऐसे दशा में अगर आप करोगे तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, फिर इसका हिसाब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि दशमलव सीधे पे नहीं है। ये तरीका गलत है, ठीक है। सिद्धार्थ, श्वेता, प्रीति, महिमा जी, जवाब आ रहा है आपका, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, 5, 3, 8 नीचे दशमलव, 8, 3, 11 हासिल 1, हासिल 1 इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा 4 और 4, 8, 8, 16 हासिल 1,
9 10 1061.8 आएगा, सही है ना? क्यों? क्योंकि 983 तो ये खुद है, सही है। लिख लो फट से, आगे बढ़े। कुछ लोग का 106 आ रहा था, उनका गलत है। याद रखें अपने मन में कि आप डीएलएड का मैथ पढ़ रहे हैं, बीटीसी का, ठीक है? तो उसी लेवल में पढ़ाएंगे, उससे हाई फाई कुछ नहीं होने वाला यहाँ, इस बात को मत भूलें, ठीक है? थोड़ा सब्र रखिए। आया मैं, रुको ना, थोड़ा सा वोल्टेज बहुत कम हुआ इधर साइड में, तो मुझे थोड़ा कुछ 3-5 करना है यहाँ पे, रुक जा। चलिए अगला बताओ। ए लाइटिया बुद्ध का यार आएगी अभी, आएगी। देखो अगला, 305 प्लस 3.53, इसका मान क्या आएगा? कोई बताएगा? एनीवन? कौन कौन बताएगा? आइए सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, बाकी बातचीत नहीं। दशमलव का जोड़ना यहीं इसी के साथ फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा है, तो साथी मेरे इसको ऐसे डेसिमल लगा के 0-0 आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? ये जोड़ने का तरीका है। फिर दशमलव जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे, इसके राइट साइड में 5-3 है, तो यहाँ पे 5 और 3 पक्का। फिर लेफ्ट साइड में 3 है, तो यहाँ पे 3। ये कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, इधर उधर, सिर्फ दशमलव सीध पे रहना चाहिए बस। अब यहाँ पे दशमलव लगाओ सीधा पे, राइट साइड में 5 और 7 है, लेफ्ट साइड में बात करें तो 3 5 9, ऐसे खींच के इनको जोड़ देना है। यहां देखो ये डिसबैलेंस ना हो भैया, इसलिए यहां 0 बढ़ा लो बीच में। अब देखो बराबर हो गया, बराबर हो गया ना, बस यही इतना मेहनत थी इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इनको जोड़ लेंगे, 7 3 10 हासिल आया 1 और 1, इसके खोपड़ी बुला के लिख दो, 5 5 10 और हासिल है कि 11। ग्यारह का 1 हासिल आया, 1 1 यहां आके लिख देंगे, 5 3 8 और हासिल 1 9, 9 3 12 का 2, दशमलव इसके फीते लगा दो, हासिल आया 1। 5 में 0 जुड़ेगा, 5 ही रहेगा, हाफिल 1 6, 9 3 12, 1262.10 आएगा। सही जोड़ा हूं कि नहीं? बढ़िया है वो, इतना धमका उबे करत है यार, गुड। चलो आगे बढ़े, किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, एनीवन बता दो, नहीं ना? चलिए देखिए, बढ़िया। तो ये हो गया दशमलव का जोड़ना, इसको हटाओ अब। इनको कर लो फटाफट, कर लो। अब हम बात करेंगे दशमलव घटाना। अध्याय 3 चल रहा है, दशमलव का घटाना। देखो दशमलव का घटाना, देखो इसमें क्या होगा। जैसे अगर कोई नंबर लिखा मैंने,
98 माइनस 37.5, तो इसको घटाओ कितना आएगा, घटाओ कितना आएगा, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो ठीक है, आइए बताता हूँ मैं कैसे होगा। डीएलएड के सिलेबस में है ऐसे, ठीक है सब। तो सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जिसमें दशमलव नहीं लगा है, इसमें दशमलव लगा के अपने आप हम जीरो जीरो ऐसे बना सकते हैं जितना चाहे उतना। दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव, इधर साइड में पाँच है तो ठीक है, इधर साइड में तीन और सात है तो यहाँ पर तीन सीधा लिखेंगे, दिखे यहाँ पर सात, हेलो आवाज आई, यस। तो मैंने सेकंड ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन वो डिस्चार्ज हो गया है, कुछ गड़बड़ी चल रही थी, आज मैंने कुछ किया था। मेरी आवाज आ गई एक बार, सभी हाँ बोल दो, यस फटाफट, यस। आइए यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ छोड़ के गए थे हम, बढ़िया है ना, अच्छा है। देखो इसमें से घटाएंगे कैसे भाई, इसमें से उधार गया कितना बनेगा, दस, दस में से पांच गया पांच, ये बचा सात, सात में से सात गया जीरो, ये इसको उधार दिया था, फिर इसने इसको नहीं दिया है, लेकिन ये सात में से सात घट गया है, तो नौ में से तीन गया छः, 605 आएगा। एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, सभी को समझ में आया, आगे बढ़े, आवाज धीमी है ना, इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम होगा ना, इसमें हेलो आवाज कम है ना थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। ये तरीका था इसको घटाने का, कर लेंगे ना आगे सब इस तरीके का, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा,
एनीवन कोई बताएगा बताइए कितना आएगा? मोबाइल से नहीं करना, मोबाइल से नहीं करने का। बढ़िया है, आइए। हाँ पहले हम फर्स्ट वाला लिखेंगे, फिर दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे। इधर साइड में 5 9 है तो 5 9, इधर साइड में आ जाएंगे तो भैया कहाँ है, फिर 3 है। अब इनको घटाएंगे, इसके नीचे 0 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा। देखो सिंपल तरीके से घटा लेंगे, जैसे बिना दशमलव पर घटाते हैं, जैसे बिना दशमलव के अगर हम लिखें ऐसे बनेगा ना। इनको घटाओ, चलो पंद्रह में से 9 हो गया 6, सही है ना? 15 में से 9 हो गया 6, इसमें से एक उधार गया था ये बना 2, फिर इसमें से उधार लेगा 12, 12 में से 5, ये एक उधार दिया था बच्चा 7, 7 में से 3 गया 4, 9, 94 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रीति शर्मा गोल्डी, आशुतोष निधि से बातचीत ना करो, इतना करो। दो अंक पर दशमलव था तो दो अंक पर दशमलव हो जाएगा 94.76, यानी अगर किसी के पास 95 रुपए 35 पैसे, उसने 3 रुपए 59 पैसे के कॉल कर लिया, पहले फोन में होता था ही ना रिचार्ज। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 रुपए का रिचार्ज करवाए मोबाइल में? अब तो जमाना ही चला गया है ना, 150 से कम का नहीं है अब। 10 रुपए का भी रिचार्ज होता था, दादी वादी के पास गांव में फोन रहता था, घर में मम्मी के पास, ऐसे भी घर में जहां पर कोई कभी कॉल इनकमिंग सब हमेशा करता था, आउटगोइंग कभी नहीं होती थी, वो दो दो साल रिचार्ज नहीं होता था, है ना? कितने लोग जानते हैं? लेकिन आज अगर कहीं किसी के घर में वैसे भी फोन पड़ा है किसी काम का सुनने के लिए, तो उसको भी 150 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ चली आई है ना, और ये लोग अभी भी फ्री ही पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग ऐसा किए वो लोग समझ रहे होंगे ये क्या है, उसी में फाइल में तुम्हारे 98 रुपया 35 पैसा था, 3 रुपया 59 पैसा खत्म हो गया, तो कितना बचा? 94 रुपया 76 पैसा। हमारे जमाने में ना, जब हमारा जमाना हुआ करता था, अब तो हम 200 साल के हो गए ना, अगर किसी के फोन में 100 रुपये होता था ना, बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। किसी के मोबाइल में 100 रुपये नहीं होता, बशर्ते हमारी जहां तक पहुंच चुका है ना, आदमी 10 20 40 50 रखता था बस, थोड़ा बहुत। तो इस तरीके का कर लेंगे ना सभी। देखो एक और, चलो भैया अब इसको घटा के देखो कितना आएगा, थोड़ा उल्टा है ना ये, देखो नैन्सी द्विवेदी, राधा, आयुष, मम्मी का मगरमच्छ, भाई ये नाम काहे को रखा है ना, बोलने का मन नहीं करता मैं, मम्मी का मगरमच्छ नहीं बोलूंगा, ओनली मगरमच्छ बोलूंगा। चलो देखिए यहाँ पे समझने वाला है थोड़ा सा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव, राइट साइड में 3 5 है तो ठीक है, लेफ्ट साइड में 9 5 ऐसे लिखना है, ये बहुत ही समझने वाली चीज है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो?
इस तरीके से करोगे तो माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये 359 है या 98 है, समझा कुछ कि नहीं भैया? ये ज्यादा है वो कम है, तो हम एक काम करेंगे, तो उल्टा घटा लेंगे, माइनस में उत्तर लिख देंगे, यहां लाओ उल्टा घटाओ, इनको पलटो, इनको उल्टा घटा लेते हैं, माइनस में लिख देंगे आंसर, ठीक है? निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। देखो इनके ऊपर कुछ नहीं है तो यहां पे जीरो लगा लेंगे, 10 में से 9 गया 1, अब ये इसको उधार दिया था, ये बना 4, 4 बचाना जानते हो, घटाना तो आप सभी को आता है, ए में से मैं उधार जाएगा, कितना बनेगा? 14, 14 में से 5 गया 9 ना, अब ये 2 बचा है, एम एस उधार लेगा 12, 12 में से 3 या 9, दशमलव नीचे दशमलव, इसमें से उधार गया था तो 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, 5 में से घटेगा नहीं उधार आएगा, 15, 15 में से 9 गया 6 और ये 2, यानी माइनस में आएगा, जो भी आएगा वहां नहीं आएगा, यहाँ माइनस, समझ में आया सभी को? ये था घटाना, और मैं ये चैप्टर एंड कर दूंगा घटाने के साथ। कौन कौन रिचार्ज कराते हो आप लोग, कितने कितने का, किसके किसके घर में वाईफाई लगा इस समय? कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आते हैं, सर सारा डेट बात करने, मेरी मम्मी बात कर लेती, मेरी मौसी से, है ना, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, तो पढ़ाई कब कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं लाइव आ पाते हैं, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ किसी की, भैया उनके लिए अलग रिचार्ज कराया करो, जिंदगी में अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मम्मी मौत और वो सब गड़बड़ हो जाएगा, देख रहे हो, मतलब मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा, और क्लास के लिए अगर एक महीना में जमा करना है साल भर का, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, जबकि उसी के लिए रिचार्ज कराते हो पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे खोल देखते हो, टाइम वेस्ट कर, चलो आगे बढ़े। अब आइए दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा ये कैसे होता है देखिए समझिए, इसका मान क्या आएगा? बहुत आसान है, यहाँ पे इनका डायरेक्ट पहले गुणा कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे कितना आएगा? 105, यहाँ पे 105, दशमलव एक अंक पर था, यहाँ पीछे से गिनेंगे तो एक अंक पर यहाँ दशमलव हो जाएगा, 10.5, ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं ना, अंजनी यादव 2 गोल्डी श्वेता, हाँ सबका कमेंट आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 1, 3, 2 का गुणा करोगे 6 आएगा ना, 6 आएगा बिना दशमलव के, यहाँ पे लिखो 6, एक अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर है, इन सबको जोड़ो, 1, 4, 5, 3, 8 अंक पर दशमलव रहेगा, कितने पर? 8 अंक पे, एक अंक है इसलिए 7 जीरो बढ़ाओगे,
आया समझ में? मगरमच्छ जी आया समझ में? छापो फटाफट। चलो संजीव, वंदना, राधा, राम गोपाल, सरिता, श्वेता, अभी समझ गए? तो दशमलव का गुणा का यही मतलब है, मेन यही चीज देखा जाता है। दशमलव उतने अंक पे ही लगेगा जितने अंक पर टोटली दशमलव लगे हैं सबको मिला के। तो भैया चली हो आगे? चलो देखो। हाँ, ये चलो इसका कितना आएगा बताओ, छोटा छोटा ही कर लो भी, वही का है को लिख। कितना आएगा? फट से लिखिए, फटाफट जल्दी करिए। देखिए अगर सीखना है तो वक्त देना पड़ेगा, जिंदगी में जहाँ वक्त देते हो वहीं से कुछ हासिल होता है, चाहे पढ़ाई में चाहे सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का आजकल दूसरा नाम सोशल मीडिया बन चुका है, आदमी ना चाहते हुए भी मोबाइल में लगा रहता है, डिप्रेशन बहुत तेजी से हावी है। कुछ ऐसे भी हैं प्राणी जो सोते समय भी मोबाइल छाती पर रख के सोते हैं, है ना, खोपड़ी पर रख के रहते हैं, तो क्या होता है, है? मोबाइल ऐसा रखने से बहुत नुकसानदायक होता है। यहाँ नहीं रख रहे तो कहाँ रख रहे हैं, ये तकिया के नीचे रख दिए। सोते समय कोशिश करें अगर नहीं स्विच ऑफ कर सकते हैं तो कम से कम कमरे में जितनी दूरी है, अगर एक कमरे में है तो कम से कम दूसरे कोने में तो रख। मैं तो खुद रखता हूँ अपना, मैं तो दूसरे कमरे में रखाता हूँ सब फोन रात में, समझ रहे हो ना। और सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल के दर्शन ना करें, कम से कम एक घंटा मोबाइल बिल्कुल ना छुए, किताब से पढ़ें या कुछ भी करें, अच्छी आदतें के बारे में बता। और सुबह जल्दी ना होकर उठ पाए, अलार्म लगाना पड़े, देर में उठे तो अपने आप को 4-5 थप्पड़ मारे एक दिन, अगले दिन देखो टाइम पे उठ जाओगे। आगे चलें, किसी को कुछ कहना है इसमें? नहीं ना, तो चलो। हाँ तो चला भैया, इनको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। देखिए ये 35 3 × 5 डायरेक्ट पहले गुणा कर लीजिए बिना किसी दशमलव के, ठीक है, यहाँ का जीरो का कोई मतलब नहीं। 5 3 15 5 हासिल एक, 5 का जीरो में गुणा करेंगे जीरो हासिल एक जुड़ जाएगा, 5 5 25 हासिल दो, 5 3 15 2 17 एक अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लगेगा पीछे से, तो 17.515 आएगा। ठीक, बढ़िया है। दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा आप लोग भाग भी बता देना चाहिए, ऐसे ही होता है, कुछ नया नहीं है, इससे ज्यादा और क्या करोगे। दशमलव का भाग ज्यादा और क्या करोगे, है ना। चलो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा मतलब क्वेश्चन लिखोगे तब आएगा ना, बिना कुछ कैसे आएगा। रुक जाओ, मोबाइल डिस्टर्ब करके रखा है ये। देखो जैसे पहला मान लीजिए 38.5 है, हम काहे मान ही लें, डिवाइड बाई 19 तो क्या आएगा बताइए, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से ही तो शुरू करेंगे ना। बताइए दशमलव में भाग कितना आएगा, जल्दी बताइए, परेशान ना करें।
तो लोग कमेंट में परेशान कर रहे हैं मुझे, वो ध्यान से सुन लें जो कमेंट में परेशान कर रहे हैं बातचीत करके। यार मुझे तू इतना बता दे कि जिंदगी से जाने का बताओ, पढ़ने दो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो, नहीं तो बता दो क्या चाहिए। एक चीज आपको पता है, देखिए चाहे ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिखा है, तीनों का मतलब एक है हुआ, जानते हो नहीं आप लोग इसको? बताओ, जानते हो ना? तो चलो ठीक है, जब जानते हो तो क्या दिक्कत। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, पक्का? और आप सबको पता है, क्या पता है, क्या पता है कि अगर ऊपर एक अंक पर दशमलव है उसे हटाएंगे तो नीचे एक जीरो पड़ेगा, सबको पता है ना? ऐसा मैं कर सकता हूं डायरेक्ट, विस्तृत तरीका बता देता हूं, रुको। दशमलव हमें एक अंक दाहिनी साइड खिसकाना है, ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ऐसे हो जाएगा, एक अंक पर डेसिमल था यहां लग जाएगा, समझ में आया? ऊपर दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं है। इसे नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 38/19 गुणे 10, लिख सकते हैं 19 से कट जाएगा, 19 × 38 यानी 2/10, समझा कुछ? इसको भाग करोगे भैया, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, एक जीरो है तो 0.2 आएगा, 0.2 या 1/5 भी लिख सकते हो कट करके, जल्दी बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़े, नहीं, जो है बढ़िया है। चलो किसी को कोई दिक्कत, रुको एक सेकंड, कमेंट देखता हूं मैं, सामने से हट रहा हूं जिससे आपको स्क्रीन दिखे। रोहित सर बीमार है, गड़बड़ है, ठीक है। सेकंड वाले कैसे करोगे? देखो भैया ये 3, 5, 4 साइड बाई 0.2, नीचे से एक अंक दशमलव हटाओगे, अगर शॉर्टकट में बता दूं तो 10/2 हो जाएगा, ऐसे ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को? ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा ना। अरे यार उल्टा नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, या फिर विस्तृत करूं तो शॉर्टकट था थोड़ा। ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे क्योंकि दशमलव एक अंक इधर खिसका, दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख रहा है? अब ये 3, 5, 4 × 10 इसमें गुणा होगा तो ये 2.0 हो जाएगा, जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, तो इसे हम सिर्फ 2 लिख सकते, 2 × 1 = 2 ये 15 बनेगा, 2 × 7 = 14, 14 177 का 10 से गुणा करोगे तो आएगा भैया कितना ही,
यार गड़बड़ हो गया, कहाँ क्या हो रहा है? जीरो पॉइंट टू से गुणा करोगे तो 1700 पैसे। रुको कहीं गड़बड़ा रहा है कुछ। सही जा रहा है क्या? कितना? देखिए फिर से ट्राई करते हैं, जो भी है मुझे कुछ डाउट लग रहा था, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, जो मैं किया था सही किया था। तो भैया देखो ये 0.2 है, लगभग 20 पैसा है ये, इसको इसमें भाग हो रहा है, ठीक है, 10 से गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे, सही कर रहा हूँ ना मैं? तो होगा क्या, तो अभी हुआ था वही होगा, कुछ कर दिया वाला। क्या करोगे, 20 हो जाएगा, एक अंक पर 0.2 आएगा, तो 1 कम 2 2 7 14, सही तो है यार, 1770 आएगा, छोड़ो हटाओ, 1770 आएगा ना, करके देखो, कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन गड़बड़ है नहीं, 1770 ही आएगा, ऐसा लग रहा था। मैं सोचा एक बार कि 354 है, कैसे इतना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो भाग आधे से हो रही है। दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख लिया। देखो पेपर में ऐसे आता नहीं है, ठीक है, पेपर में बहुत सिंपल सिंपल आता है। ऐसे आता है जैसे 3.78, ठीक है, इनको घटाइए। अगर पंकज की स्कूल से घर की दूरी 7.85 किलोमीटर थी, उसमें 0.59 किलोमीटर चला गया, ये अभी पंकज को कितनी दूर और जाना है स्कूल के लिए, इस तरीके के आते हैं घटाने वटाने में, दशमलव का यूज यही होता है, ठीक है। तो रितिका पाल कह रही खाना बनाना है, क्लास कब तक होगा? तो हमको भी बनाना है, तो क्या करें, क्लास तो चलना ही चाहिए, अपनी है, बनाते खाते रहेंगे रात भर, का दिक्कत है। चलो ठीक है, पहले जमाने में आता था, हाँ बहुत कठिन हो गया ना अब, ठीक है, यही सब था। देखिए बेसिक बेसिक सिस्टम मैं बता दिया हूँ, जो एकदम बेसिक है। अभी मैं पेपर देख ले रहा हूँ उठा के, 2019 देख लीजिए, पीस वाला पेपर भी शायद मिल जाए, मुझे मिला नहीं कहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आता, 2, 3 और 5, 8 में कौन बड़ा है बताइए, 2, 3 व 7, 5 में कौन बड़ा? तो इनमें कौन बड़ा है बताइए, अनुपात में, रेशियो में बताइए। बताइए जवाब दीजिए, कौन बड़ा है? तो इनको 2/3 लिख सकता हूँ, इनको 7/5 लिख सकता हूँ। इनका भाग इसमें ले जाओगे एक बार भी नहीं जाएगा, क्या एक बार जाएगा? सिंपल पॉइंट इनका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बड़ा है। तो कुछ और पूछे क्या सवाल? अभ्यास प्रश्न देखिए, आप सिस्टम से जो पढ़ा रहे थे उसको नहीं, कुछ थोड़ा ओरल में बताओ, ओरल में।
सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, मौखिक। सबसे छोटी भाज्य संख्या मौखिक। बहुत अच्छा शोएब खान, चल भैया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संख्या 1। भाज्य है या अभाज्य है बताओ। बताओ भैया, चला हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हम बात करें, 4। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कहां तक जाए। संख्या 1 ये कुछ भी नहीं है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। एंसी गलत है आपका, नहीं कुछ तो है ये, लेकिन भाज्य अभाज्य नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सबसे बड़ा न्यून कोण कितने अंश का होता है बताइए। सबसे बड़ा न्यून कोण कितने अंश का होता है? सबसे जवाब दिया हो। कोण 75 का संपूरक कोण बताओ। संपूरक कोण क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना। 35 का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। महिमा, क्यूट, सार्थक, यदुवंशी, आशुतोष, शिल्पी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। अब चलिए एक सौ अस्सी, 181, 179 जी होगा, 270। इसमें अधिक कोण बताओ। अधिक कोण बताइए। अधिक जवाब दीजिए, मैं हट गया हूं सामने से। अधिक शिल्पी, राम गोपाल, क्या परिहार, राज खान। भैया बतावा हो सब भाई, सर लोग अधिक कौन जानते हैं 181 वाले का, 180 वाले का? ये अधिक कौन बिल्कुल भी नहीं है, ये रिजु कौन है, स्ट्रेट एंगल है, ये बिल्कुल भी अधिक कोण नहीं है। ठीक है, क्या बृहद कोण है ना, बृहद कोण है, ये भी बृहद कोण है, यही एक आंसर है 179। सबसे छोटा अधिक कोण, सबसे बताइए। बताइए। अच्छा, कौन 90 और 180 के बीच, ना 90 होता है ना 180 होता, दोनों छोड़ के। चलिए
सबसे पहला इसका जवाब दिए हैं आशुतोष, और दूसरे पर है मगरमच्छ, तीसरे पर नैन्सी। बहुत अच्छा, चलिए अगला बताएं, पूछें एक और। सुनो सुनो मगर सुनो, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, कंप्लीट एंगल? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, कंप्लीट एंगल कहते हैं। बताओ भैया। और चाचा एंड चाचियां शर्मा रहे हो तुम, कुछ तो बताओ, कुछ तो करो। देखो आप, देखो आप, देखो 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 ना तुम, देखो ना काय को शर्मा रहे। नहीं नहीं बना रहे काम। कुछ पूछने वाले थे इसमें, अगर ये 40 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला कितने अंश का होगा, क्या इसे कोण बनेगा अभी जैसे मैं ऐसे बनता है क्या, कहीं देखे हो? हाँ, मुझे कुछ अटपटा लग रहा है, ये त्रिभुज वगैरह कुछ बनना चाहिए ना, अभी तो क्लियर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कि अगर किसी वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बन तो जो परिधि पर कोण बन रहा है उसका दोगुना होता है ना, जानते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन जो मैं बनाया था उसमें कोई एंगल नहीं बन रहा था, फिलहाल वो सही तरीके से नहीं बना था, तो छोड़ दो, कोई सवाल नहीं मिल रहा मुझे। और क्या क्या टॉपिक है इसमें, बीज गणित वाला एक टॉपिक है बड़ा खतरनाक ना, बीज गणित वाला एक टॉपिक है, ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए डेंजरस है। 3x² × x × x+5 का मान क्या होगा, 8x² बताइए इसमें इसका मान क्या होगा, अलजेब्रा का पार्ट है ना ये, थोड़ा सा अलग है ना ये। कमेंटे देख रहा हूं मैं तुम लोगों का, काफी लोगों का इंटरनेट खत्म हो गया है, काफी लोगों को नींद आ रही है, और काफी लोगों को याद आ रही है, और काफी लोग दरियाए जा रहे हैं उधर, क्या कर रहे हो, कौन सा मास्टर मिल गया, कहाँ का ना सोने दे रहा ना कुछ करने दे रहा है, कहाँ से आ गया, तो काहे सबकी बद्दुआ ले, हम खुद बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी की आंख बंद हो जा रही, किसी का मुंह बंद हो जा रहा है, पता क्लास भी बंद कर दे रहे, कुछ कहना है किसी को? कुछ कहना है किसी को, इसका आंसर हो जाएगा भैया ई वाला हो जाएगा, सी वाला।
पूरा करने पे घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है, चल रहे फिर, बहुत बहुत थैंक यू, चलिए बुझिए पकाइए खाइए पीजिए सभी, और किसी को कुछ कहना है तो बताओ। राहुल मौर्य देखो जो जो तो सिंगल वाले हैं वो तो कह रहे नहीं भैया पढ़ा दो अभी, ठीक है पैसे भी जाके क्या कर लो, जो डबल वाले हैं वो लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है जल्दी बंद करो चलो खत्म करो, पढ़ लिख का किसका भला हुआ आज तक, यहाँ तो कुछ मिल भी नहीं रहा है ना, ठीक है फिर धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, तो जीत जी एप्लीकेशन में आप ज्वाइन करिए, हाँ एक स्पेशल ऑफर है, जो भी कैंडिडेट डीएलएड कर रहे हैं ना, डीएलएड का ऑल सेमेस्टर का मैथ्स, ऑल सेमेस्टर 2 साल की वैलिडिटी होगी, कंप्लीट मैथ्स ओनली कितना में भैया 396 की जगह में सिर्फ 799 में, अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो ज्वाइन कर लें, पूरे 25 में 25 लाने की गारंटी होती है जो मेहनत करके इसको पढ़ता है, सीमित समय ऑफर है, 2400 की जगह सिर्फ 800 रुपये 2 साल की देगा, कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ, कटनी मतलब ये आपका जो सिलेबस वाला है डीएलएड यूपी डीएलएड, चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, तो अपना कमेंट वाला काम कर रहे हो जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, कोई दिक्कत नहीं होगी, जा रहे नहीं देखेंगे कमेंट, आंख बंद करके बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग करो 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 कुछ तो करो जिंदगी में, है ना, पढ़ाई में